रवि बिश्नोई ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे रोहित शर्मा इतने सफल कप्तान बनते जा रहे हैं, कैसे वो अपने खिलाड़ियों से इतना अच्छा प्रदर्शन करवा पा रहे हैं। उन्होंने बताया यहाँ पे साफ तौर पे कि देखिए रोहित शर्मा बतौर कप्तान अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उनको पूरी फ्रीडम देते हैं, लगातार खेलने का मौका देते हैं, उनसे कहते हैं कि जो आपका नेचुरल गेम है आप वो खेलिए, ज़्यादा इसमें बदलाव मत कीजिए, ज़्यादा मॉडिफिकेशन मत कीजिए, जो थोड़े बहुत ऑल्टरकेशन है वो करते रहिए, लेकिन आप अपना नेचुरल गेम खेलिए और साथ ही साथ प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, ऐसा कहते हैं यहाँ पे रवि बिश्नोई ने बताया रोहित शर्मा अपने खिलाड़ियों को। और हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ जितने नए खिलाड़ी आए सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार रन बनाए यहाँ पे, लगातार विकेट लिए और उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने 4-1 से वो सीरीज अपने नाम कर ली है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जब उनसे पूछा गया कि भाई रवि बिश्नोई से कि आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने इनको टीवी पे खेलते हुए देखा था, इनके साथ यहाँ पे ड्रेसिंग रूम शेयर करना और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जिस तरह से सारी चीजें चलती है वहां पे अंदर क्या क्या होता है, उनके साथ खेलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा पल था, बहुत बड़ी मैं अपनी कामयाबी मानता हूं, उपलब्धि मानता हूं कि मैं उन लोगों के साथ खेला और मैं चाहूंगा कि दोबारा वापसी करूं और अच्छा प्रदर्शन करता हुआ टीम इंडिया के लिए नजर आऊं। आपको बता दूं कि रवि बिश्नोई ने अच्छा प्रदर्शन किया था, दोनों खिलाड़ियों के साथ वो खेल चुके और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी यहाँ पे कर दिया है। वैसे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो हुई है टेस्ट सीरीज, उसमें आपको रोहित शर्मा की कप्तानी कैसे लगी आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।